खाजा पिज्जा। आज मैं आप सबके लिए उड़ीसा का, पश्चिम उड़ीसा का एक क्रिस्पी स्नैक के बारे में बताने जा रही हूँ, जो चावल से मेनली बनता है। और वो एक कम्युनिटी है अग्रिया करके, तो उनके घर में ये प्राय त्योहार में बनता है। बहुत इजी है, इतना मुश्किल भी नहीं है। पहले जो बनाते थे उड़द दाल और चावल में बनाते थे तो थोड़ा सा मुश्किल लगता था, लेकिन अभी तो बहुत सारी चीज़ से वो बन सकता है। तो मैं आज आपको सूजी और चावल में कैसे बनता है वो दिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए हमको चाहिए चावल का चूरा 1 कप, तो सूजी लिए हैं 1.5 कप, अजवाइन 1 टीस्पून जैसे, तेल गरम करके हम लेंगे, मैं थोड़ा गरम कर ली हूँ, ये 1 टेबल स्पून जैसे गरम कर ली हूँ, सोडा 1 पिंच लेंगे हम, और नमक आपको जितना चाहिए स्वाद अनुसार। और हमको मसाला के लिए चाहिए लाल मिर्च, अदरक और जीरा 2 टेबल स्पून लेंगे। तो चलिए अब हम बनाते हैं। तो हम पहले मसाला पीस लेंगे, मिर्ची, अदरक और जो जीरा है इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा सा दरदरा होगा तो भी चलेगा। तो चलिए हम पीस लेते हैं। ये मैं मसाला पीस ली हूँ, तो चलिए हम अब हम सूजी के लिए, पहले जिस कप में आप सूजी लिए हैं, हम 1.5 कप सूजी लिए हैं तो 3 कप पानी ली हूँ मैं। जैसे देखिए थोड़ा सा गर्म हो गया, अब इसमें हम जो मसाला पेस्ट किए हैं मसाला पेस्ट को डाल देंगे। मसाला पेस्ट डाल दिए, उसको मिला लीजिए। फिर इसमें अजवाइन, नमक और जो थोड़ा सा सोडा था आप इस सबको भी डाल दीजिए। आप सोडा को चावल में भी डाल सकते हैं, चावल के आटा में, या फिर सूजी को जो हम बना रहे हैं इसमें भी डाल सकते हैं थोड़ा। देखिए अभी थोड़ा थोड़ा ये खोलने लगा है, अब हम इसमें सूजी को धीरे 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 डालते जाएंगे, और डालते डालते हम चलाते भी जाएंगे उसको। कंटिन्यूअस चलाते जाइए, नहीं तो गुठली पड़ जाएगा। कंटिन्यूअस अब धीमा कर दीजिए आंच को, धीमे आंच पे इसको हमको गाढ़ा होने तक थोड़ा पकाना है। करते तभी ये देखिए सूखा हो गया। अब हम इसको सीम पे 5 मिनट ढक के छोड़ देंगे ताकि सूजी एकदम बढ़िया से पक जाएगा। ढक के उसको सीम पे 5 मिनट छोड़ दीजिए। अब हम चावल का डो बनाने के लिए बर्तन लेंगे, उसमें चावल का आटा डाल दिए, एकदम हल्का सा नमक डालना है क्योंकि हम लोग सूजी में भी डाले हैं। अब नमक डाल दिए, अब हम तेल को थोड़ा सा गुनगुना करके उसको डालना है इसमें। इसको अच्छे से हाथ से मिला लेना है। अच्छे से उसको मसल लीजिए, जैसे ऐसे दाना दाना जैसे ना रहे, बढ़िया से मिल जाना चाहिए। ये हम ऐसे मिला लेंगे,
एक चम्मच अगर थोड़ा सा कम लगे आपको तो ऐसे मीठा होना चाहिए, तो 1.5 चम्मच तेल डाल के इसमें से गूंद लीजिए बढ़िया से। अब हम देखते हैं हम लोगों का सूजी कैसे हुआ है। अब देखते हैं हमारा सूजी, देखिए ये पूरा पक गया है अभी। अब इसको हम थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हम इतना गर्म हम गूंद नहीं पाएंगे, तो इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा गुनगुना रहेगा तब हम उसको फिर आटा में डाल के बनाएंगे। अब हमारा चावल का आटा भी रेडी हो गया और सूजी भी रेडी हो गया है, तो अब सूजी को इसमें डाल के हम आटा गूंद लेंगे इसका। अब इसको गूंद लेंगे, इसे पानी देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ही जितना होगा इसी में ही गूंदना है, तो ये बहुत क्रिस्पी बनता है। इसको अच्छे से मिक्स करके एक डो बना लीजिए, ये हम इसी तरह से, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, इसी तरह से गूंद लेंगे इसको। देखिए ज़्यादा हाथ में भी नहीं चिपकेगा, अगर चिपक रहा है तो थोड़ा सा आप सूखा आटा भी हो सकते हैं, सूखा आटा हाथ में देखिए है, सूखा आटा इसे लेके उसका छोटा छोटा बॉल बना लेंगे। देखिए इस टाइप से छोटा छोटा बॉल बना लेंगे। अब हमको ऐसे छोटा छोटा बॉल बना लेना है, सारा बॉल बना लेंगे फिर इसका हम रोल कर लेंगे। रोल करके पाम में ऐसे रोल कीजिएगा, जैसे कि ये बीच में थोड़ा सा मोटा रहे और साइड में सिलिंड्रिकल शेप का, साइड में थोड़ा सा पिन टाइप का रहे। देखिए हम ऐसे करके करेंगे, इस टाइप का शेप का करना है। इसको ऐसे धीरे 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 करके इसी तरह से हमको बनाना है, सारा को ऐसे हम बना लेंगे फिर छानेंगे। अगर आपके हाथ में चिपक रहा है तो थोड़ा सा फिर डस्ट कर लीजिएगा, प्लेट में थोड़ा सा डस्टिंग कर दीजिए ताकि वो आपस में ना चिपके। ऐसे बना के सारा हम ऐसे बना लेंगे सारा गोला। ये देखिए इसी तरह से सारा बना लेंगे, इसी तरह से हम सबको बना लेंगे। अब तेल गरम करेंगे कढ़ाई में, अब तेल गरम हो गया है, देखिए पूरा गरम हो गया है। अब हम इसमें मिर्ची डाल देंगे, साइड से धीरे धीरे करके डालते जाइए। इस सूजी से हम बनाए हैं ना तो बहुत क्रिस्पी लगेगा, अच्छा लगेगा सबको। अब इसको हम तुरंत हिलाएंगे नहीं, अगर हिलाना भी है तो चम्मच के पीछे की तरफ से फिर हमको मतलब करना है, जैसे कि ये टूटे ना, इसे थोड़ा थोड़ा अलग कर देना है। ये जब तक गोल्डन कलर हो जाएगा तब तक हम उसको फ्राई करना है, क्रिस्पी हो जाएगा तब आपको पता भी चल जाएगा फटफड़ करके, तब तक हम उसको पकाना है। इसको हमें बीच बीच में पलटाते रहना है, नहीं तो एक साइड से लाल हो जाएगा और तरफ से नहीं पक पाएगा। देखिए सर अभी से कुरकुर कर रहा है। इसको आप 1 महीना तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, थोड़ा सा स्पाइसी होगा, अदरक है तो टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग सब बना के देखिए, पहले उड़द दाल में बनता था तो बूढ़े लोग नहीं खा पा रहे थे क्योंकि वो बहुत टाइट लगता था, लेकिन अभी कछू में बनता है
पोहा में बनता है। सूजी की जगह पे हम पोहा या कचू डाल के भी बना सकते हैं। ये हमारा अभी पक चुका है, देखिए बढ़िया सा कलर आ गया है। अब इसको हम छान लेंगे। उसका तेल निकाल के एक टिश्यू पेपर पर रख देंगे। इसी तरह से हम सबको छान लेंगे। ये हमारा ठेठरी रेडी हो गया। आप लोग प्लीज इसको एक बार बना के देखिए, एक बार बनाइए, बार बार बनाइए, एक बार खा के देखिए, टेस्ट कीजिए, बार बार बनाइए। थैंक यू।